कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन का तीसरा दिन आज, मुसलमानों ने घरों में अदा की नमाज जुमा। सड़कों पर आज भी छाया रहा सन्नाटा, वायरस से अब तक 20 की मौत, मरीजों की तादाद 750 के पार। कोरोना वायरस के पेश नजर आर्मी चीफ ने मीडिया से किया खिताब, हर मुश्किल वक्त में चैलेंज का सामना करने के लिए इंडियन आर्मी तैयार। कोरोना पर हिंदुस्तान की जीत को आर्मी चीफ ने बताया यकीन। मुकम्मल लॉकडाउन में बैंकिंग खदमात भी हो रही है मुतासिर, आरबीआई गवर्नर ने हालात के पेश नजर लिया बड़ा फैसला, ईएमआई पर आरबीआई ने 3 माह की राहत का किया ऐलान। और दिल्ली में कोरोना वायरस के पेश नजर केजरीवाल सरकार का रोड मैप तैयार, मरीजों के इजाफे के साथ नए इकदाम के लिए तैयारियां मुकम्मल, रैन बसेरा में पना ले रहे मजदूरों को मजीद राहत देने का प्लान। आदाब नाज़रीन, दोपहर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रहमत कलीम। मुल्क भर में कोरोना वायरस का असर धीरे धीरे गहरा होता चला जा रहा है और गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 4 अफराद की इस वायरस से हिंदुस्तान में मौत ने खतरे की घंटी बजा दी और अब तक हिंदुस्तान में इस वायरस से 20 लोगों की मौत हो चुकी जबकि मरीजों की तादाद 750 के पार हो चुकी है। ऐसे में अब इंडियन आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि हर मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए आर्मी के जवान तैयार हैं। आर्मी चीफ एमएम नरवाने ने कहा है कि मुल्क के सामने कोरोना वायरस एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से निपटने के लिए हिंदुस्तान की आर्मी पूरी तरह से हर वक्त तैयार है। कर्तव्य बनता है, जैसे कि आपको मालूम है हमारा देश ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया कोरोना वायरस के गंभीर समस्या के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने कई आदेश और नियम पास किए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। इस लड़ाई में सरकार का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। आर्मी चीफ होने के नाते मेरे लिए प्रायोरिटी यह है फोर्स प्रोटेक्शन, यानी अपने आप अपनी फौज को सुरक्षित रखना, क्योंकि हम तभी अपनी ड्यूटी निभा पाएंगे जब हम कोरोना वायरस की बीमारी से दूर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। मुझे मालूम है कि टैक्टिकल वजह से, ऑपरेशनल रीजन से मजबूरन हमें एक साथ रहना पड़ता है और नजदीक रहना पड़ता है। एलएमजी नंबर 1 और 2 एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। उसी तरह जो टैंक के क्रू हैं वो साथ में ही रहेंगे, जो एम्बुश में बैठे हैं उनको भी नजदीक ही रहना पड़ेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और फिट रखें। इसका एक दूसरा पहलू भी है, अगर हमने अपने देशवासियों की मदद करनी है तो हम ये मदद तभी कर पाएंगे जब हम खुद सुरक्षित होंगे और फिट होंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले कई सप्ताहों से हमने 2-4 एडवाइजरी निकाले हैं जिनका आपका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑपरेशनल एरिया में तैनात नहीं हैं, जो एलसी या एलएसी पर नहीं है, जो सीआईसीटी में नहीं है, वो ज़रूर लॉकडाउन और अन्य आदेश जो सरकार ने दिए हैं उसका पालन करें। मुझे इस बात का ध्यान है कि जो आदेश पास हुए हैं, खास करके जो छुट्टी पर पाबंदी लगाई गई है, उसके वजह से कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। और पराक्रम के दौरान 2001-2002 में कई महीनों, 8-10 महीनों कोई भी छुट्टी नहीं गया था और पराक्रम में भी हम विजयी निकले हैं और इस बार भी अपनमस्ते में भी हम फतेह हासिल करेंगे।
इधर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मेडिकल टीम के साथ मिलकर एक नया रिसर्च खाका तैयार किया है और उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि अगर दिल्ली में मरीजों की तादाद बढ़ती है तो फिर क्या करना होगा। रोजाना 500 मरीज बढ़ रहे हों तो फिर क्या करना होगा। अगर यौमिया 1000 मरीजों की तादाद रिपोर्ट होने लगे तो फिर क्या कुछ करने की जरूरत होगी। इस बीच उन्होंने रैन बसेरा में यौमिया मजदूर और गरीब तबका के खाने का इंतजाम किस लेवल पर अब तक किया जा रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है इसकी भी तफसीलात फराहम की। आने वाले समय में अगर कोरोना के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए दिल्ली के अंदर तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, इसको उन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा है। एक है कि अगर डेली 100 तक केस कोरोना के आते हैं, हर रोज 100 नए केस, अगर 100 से कम 100 नए केस कोरोना के आते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है। दूसरी स्टेज, अगर 500 तक केस बढ़ जाते हैं, रोज 500 रोज केस आना शुरू हो जाते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है। और तीसरा कि अगर 1000 केस रोज आना चालू हो जाते हैं कोरोना के पॉजिटिव, रोज 1000 पेशेंट कोरोना के आना चालू हो जाते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है। 1000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर, 1000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं, उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे हैं। भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए, मुझे उम्मीद है स्थिति नहीं आनी चाहिए। आज जो हम 4 पेशेंट 5 पेशेंट भी हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये भी कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। उसी स्थिति, ये लॉकडाउन जो किया है उसको कम करने के लिए किया है, बढ़ने के लिए नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर बढ़ता है तो हमें तैयार तो रहना चाहिए ना, तो उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। दूसरा है जो बहुत गरीब तबका है, सबसे गरीब तबका, जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो राशन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, घर में बिल्कुल अब चूल्हा जलना बंद हो गया है, ऐसे लोगों को सरकार खाना बना के खिला रही है। तो अभी तक हम लोग डेली 20,000 लोगों को अपने रैन बसेरों में खाना खिला रहे थे। हमारे 224 रैन बसेरे चल रहे थे अभी तक, लेकिन हमने देखा वो बहुत कम पड़ते जा रहे थे, डेली संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। 224 रैन बसेरे भी कम पड़ रहे थे और कई जगह से खबर आ रही थी कि यहाँ भी लोग भूखे हैं, यहाँ भी लोग भूखे हैं, यहाँ भी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वीडियो भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग बता रहे थे कि जी हम भूखे हैं, यहाँ पे खाना नहीं है। तो इसको हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर आज से हम बढ़ा रहे हैं। हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतज़ाम किया है। 325 हर स्कूल में कम से कम 500 लोगों के खाने का इंतज़ाम, दोनों टाइम 500 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया है। जो एग्जिस्टिंग रैन बसेरे थे उन रैन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है। तो आज से, अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे, आज से ये संख्या बढ़ के लगभग 2,00,000, 10 गुना आज से बढ़ा रहे हैं, 2,00,000 लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और ये संख्या कल से बढ़ के डबल हो जाएगी। कल से हम 4,00,000 लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और इसको भी हम जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर इन सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा दूर चल के ना आना पड़े। कोरोना वायरस के पेश नज़र पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है और सड़कों पर सन्नाटा ही सन्नाटा। इस बीच मस्जिदों में नमाज और मंदिरों में पूजा के लिए जमा होने पर भी पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब मजहबी तंजीमों ने भी आवाम से अपील की है कि वह नमाज के लिए मस्जिद में जमा न हो बल्कि अपने अपने घरों में ही नमाज की अदायगी करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने भी मुसलमानों से अपील की है कि वह मस्जिदों में नमाज के लिए ना आए बल्कि घरों में ही नमाज की अदायगी करें ताकि इस वायरस के रोकथाम में कामयाबी मिल सके। आजकल बहुत परेशानी के हालात हैं कि कोरोना वायरस दुनिया भर में 194 मुल्कों से ज्यादा जगह पर फैल चुका है, बहुत ज़बरदस्त तबाही मच रही है और हजारों लोग इससे मर चुके हैं और लाखों लोग इससे मुतासिर हैं और ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। जब ये फैलती है तो पता भी नहीं लगता
اور انسان کے ہاتھ ملانے سے یا قریب بیٹھنے سے یا بھیڑ بھاڑ میں ملنے سے یہ بیماری لگ جاتی ہے اور یہ نظر بھی نہیں آتی اور اس سے بڑی تباہی مچ رہی ہے. اسی وجہ سے بھارت سرکار نے لاک ڈاؤن کیا ہے اور یہ بہت اچھا قدم ہے. اور جو پردھان منتری جی نے جو کہا سارے بھارت کے مسلمان ان کے ساتھ ہیں اور لاک ڈاؤن میں پورے مسلمان بھارت کے حصہ لے رہے ہیں اور انہوں نے دیش کے لیے اور دیش کے ناگرک کی رکشا کے لیے انہوں نے تمام طرح کی پابندی کر رکھی ہے اور جو نیم بتائے جا رہے ہیں جو ایڈوائزری بتائی جا رہی ہے اسی ایڈوائزری پر سب عمل کر رہے ہیں اور مسجدوں کو بھی ہم نے بند کر رکھا ہے تاکہ زیادہ پبلک وہاں جمع نہ ہو. مسجد کے اندر جو امام ہیں یا دو چار جو وہاں کے کرمچاری ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اذان برابر ہو رہی ہے, نماز برابر ہو رہی ہے, لیکن عام جنتا کے لیے مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے. چونکہ یہ بیماری ہاتھ ملانے سے یا پاس بیٹھنے سے یا بھیڑ بھاڑ میں آنے سے پھیل جاتی ہے تو بیماری کے ڈر سے ہماری شریعت نے اجازت دی ہے, اسلامی شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہم لوگ گھروں پہ نماز پڑھیں. دیکھیے ہماری اسلامی شریعت میں ہر طرح کی اجازت ہے, ہر طرح کا آپشن ہے. چونکہ بیماری بہت بھیانک ہے, کورونا وائرس جو پھیلنے کا ڈر ہے, تو بیماری نہ پھیلے اس وجہ سے ہم لوگ شریعت کے حکم کے مطابق گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور میں اپیل کرتا ہوں ہر اپنے مسلمان بھائی سے کہ وہ مسجدوں میں جانے کے بجائے گھروں میں عبادت کریں, گھروں میں نماز پڑھیں. حتیٰ کہ جمعے کے دن کی نماز بھی جب دوپہر میں ڈیڑھ بج جائے یا دو بج جائیں اس کے بعد وہ گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں. اور یہ شریعت کا حکم ہے, شریعت کی اجازت ہے. مسجدوں میں ایسے حالات میں جانے سے اگر بیماری پھیلتی ہے تو یہ بہت خطرناک ہوگا. لہذا اسلامی شریعت نے اس میں اجازت دی ہے اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو مسجد میں زیادہ بھیڑ لگا کر نہیں جانا چاہیے. وہیں دہلی کے جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے بھی مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پنج وقتہ نماز کے لیے مسجدوں میں جمع نہ ہو بلکہ گھروں میں ہی نماز ادا کرے اور مشکل سے پانچ لوگ جمع رہے ہیں مسجد میں, چونکہ یہ وائرس بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے پھیل رہا ہے. کرونا وائرس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مہلک بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس میں ضروری ہے سب سے زیادہ احتیاط, پریکاشنز, اور گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لی ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا. اگر ہم اس احتیاط نہیں برتیں گے اور زیادہ سے زیادہ کسی ایک جگہ جمع ہوں گے تو یہ صرف کسی ایک شخص کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے, پورے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے. اگر ایک شخص اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے گھر والے, اس کے پڑوس, اس کے محلے کے لوگ, اس کے شہر کے لوگ, اور پورے ہندوستان میں, پورے ملک میں یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل سکتی ہے اور بلکہ آہستہ آہستہ ہی پھیل رہی ہے. اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آج جمعہ ہے اور جمعے میں بھی خاص طور سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم مساجد میں جمع نہ ہوں. ہندوستان کے اکثر علماء نے بھی فتوے دیے ہیں, اپنی رائے دی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں. مساجد میں صرف پانچ لوگ جمعے کی نماز ادا کریں, شرعاً اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ادھر مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے عام زندگی دھیرے دھیرے مفلوج ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس بیچ روزمرہ کی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سبزی منڈیوں میں سبزیوں کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تازہ تصویریں آپ دہلی کی دیکھ رہے ہیں جہاں عام لوگوں کی شکایت ہے کہ سبزیوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. وہیں دوسری طرف انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دو سے تین دنوں میں سبزیوں کی قیمت معمول پر لوٹ آئیں گی. آگے سے سر مال کم آ رہا ہے, اسی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. پہلے سر 20 روپے کلو بیچتے تھے, اب سر 30 روپے کلو بیچ رہے ہیں. آگے کو سر مال کم لے کے جا رہے ہیں, مال کم لے کے جا رہے ہیں. ایکچولی سب بھیبیت ہو گئے جو منڈی بند ہے, اسی کارن سے آ رہے ہیں. مطلب ٹائم سے مطلب
जो पब्लिक को जानकारी 5 बजे से 8 बजे तक मतलब आने जाने के लिए मतलब कैसे आ रहे हैं, हाउस होल्ड वाले आ रहे हैं? नहीं नहीं, जो जो है फैमिली मेंबर ही आ रहे हैं। पहले सर सब आरती मंगाते थे, अब कई आरती हैं जो अपने वो हड़ताल कर रखे हैं, सब अपने मुनीम प्लस जो भी हैं स्टाफ सब सब अपने घर अभी बैठे हुए हैं। देखिए निश्चित तौर पर थोड़ा सा रेट में उछाल है, उसका कारण ये है कि पिछले दिनों जब कर्फ्यू लगा तो कुछ गाड़ियों को बॉर्डर पर रोका गया, पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी गाड़ियां प्रॉपर आ रही हैं और मंडी में अभी आवक की कमी नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ रेटों में बढ़ोतरी हुई है, पर एक दो दिन में उस पर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। जहां तक रेट की बात है तो रेट जो आलू का रेट दिल्ली के रैन बसेरा में कहीं लोगों को रहने में आसानियां हो रही हैं तो कहीं लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यौमिया मजदूरी करके अपने बाल बच्चों की रोटी का इंतजाम करने वाले मजदूर इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और उनके अहले खाना के सामने दो वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे मुमकिन हो, ये सवाल बड़ा होता चला जा रहा है। क्योंकि वो घर लौटना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं सकते, ऐसे में रैन बसेरा में रहने पर ही वो मजबूर है। तो ये तस्वीरें आप रैन बसेरा के बाहर की देख रहे हैं, उन किस तरह से जो लोग मजबूर हैं परेशान हैं उन्हें जगह दी जा रही है, खाने की को खाने को क्या मिलेगा उनका भी इंतज़ाम कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पे दिल्ली में खाने का इंतज़ाम ही रैन बसेरा में किया गया है और लाइन लगा करके इस तरह से जो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात चल रही है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इंतज़ामिया की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि इन्हें खाने की चीज़ें जो भी हो मुमकिन हो सरकार की तरफ से जो भी किए जा रही हैं इंतजाम किए जा रहे हैं वो तमाम के तमाम इन्हें दिए जाएं। ये इंतजामिया की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन में लगा करके बाज़ाब्ता तौर पे उनके दरमियान खाना तकसीम किया जा रहा है। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और दिल्ली में इस अंदाज में लॉकडाउन के बाद जो तस्वीरें बनी हैं आप इस वक्त तस्वीरों को देख सकते हैं कैसे मजबूर होकर भगाया भी जा रहा है लोग, इंतजामिया अपने ऊपर कुछ इस तरह से कोशिशें भी कर रही हैं जो मुनासिब नहीं है। मजबूरी की हालत में हर किसी के दर्द को यकसां समझना चाहिए और उन्हें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि सामने वाला परेशान है। इंतजामिया अपने तौर पे कोशिश कर रही है लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हैं जो जो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती या फिर मुनासिब नहीं है। मैं चेन्नई से आया हूँ, यहाँ एक काम के सिलसिले से आया था पर्सनली वर्क के लिए और मैं यहाँ पर 3 डेज से यहाँ पर रह रहा हूँ। मैं लॉज को बुक करिया था, सब करिया था, सब लॉज सब बंद है, यहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं है। हम यहाँ पर 3 डेज से हैं, कुछ खाने के लिए मिलता है वो भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और जो हम लॉज के लिए ये कर रहे थे वहाँ भी हमको आउट ऑफ कर दिया है, इसलिए हम परेशान हैं। यहाँ बहुत से लोग 800 से ज़्यादा लोग हैं, बाहर बस्ती से आए हैं, बिहार से बंगाल से आए हैं, सब परेशान हैं। अभी विंटर का सीज़न है, रेनी सीज़न है, सब फुटपाथ पे सो रहे हैं, सब यहाँ रहन बसेरा सिर्फ एक ही है यहाँ पर, इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि प्लीज़ प्रोवाइड करें जो फुटपाथ में सो रहे हैं उनका, जो पर्सनली जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका प्रोवाइड करें, बस और ट्रांसपोर्ट का प्रोवाइड करें। जो गवर्नमेंट को इसके बारे में फर्स्ट सोचना पड़ेगा, अगर 2 दिन के लिए ट्रेन छोड़ लॉकडाउन का ये करके ट्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दो, जो जो बस्ती जाने वाला है वो उसका बस्ती जाके पहुंचे वहां पर। और मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करूंगा कि अगर भी कोई भी विंटर से आके या ये जो फुटपाथ पे सो के मरा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ही है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन तो कर दिया, ट्रेन का जो क्या था वो 20 को ही कर दिया था, 22 यहाँ पर 40 का कैपेसिटी है, यहाँ पर 500 के पीपल्स फुटपाथ में सो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कोई भी प्रोवाइड यहाँ पर नहीं है, जो जो पुअर लोग हैं ना उनको प्रोवाइड की जरूरत है। हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि सारा काम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इस लॉकडाउन में जो लोग फंस सकते हैं जो लोग ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं वो मजदूर तबका है, वो यौमिया मजदूरी करने वाले लोग जो सुबह से निकलकर शाम तक खून पसीना एक करके दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, उनकी जिंदगी के सामने दो वक्त की रोटी का सवाल इंतहाई अहम हो गया है। ऐसे में पहले दिन से जैसा कि हम आपसे दरखास्त और अपील कर रहे थे कि आपके करने का भी कुछ काम है, इंसानियत पसंद जितने भी लोग हैं, इंसानियत नवाज जितने भी लोग हैं उनके उनके लिए आज सबसे बड़ा और अहम मौका है कि वो अपनी इंसानियत के फरीजे को अंजाम दें और जो लोग परेशान हाल हैं
उन्हें उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करें। तो ये दिल्ली के रैन बसेरा में कितनी परेशानियों में रह रहे हैं और जो कुछ हमने दिखाया वो एक दूसरा सच है, और एक इससे अलग हट करके अंदर जो लोग हैं और जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, इंतजामिया की तरफ से जो चीजें उन्हें खाने को दी जा रही है उसकी सच्चाई क्या है। दिल्ली में एम्स के एक डॉक्टर ने आज उसको ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखा और जांच पड़ताल करने के बाद उसकी सच्चाई बयान की है, आप भी देखिए। मेरा नाम डॉक्टर विजय गुर्जर है और मैं एम्स नई दिल्ली में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और हेल्दी एजिंग इंडिया जो हमारी एनजीओ है जो बुज़ुर्गों के लिए काम करती है, तो उसके अंडर हमने यहाँ पर सैनिटाइज़र और साबुन वगैरह बांटे थे, लेकिन यहाँ पर खाने की हालत जो है वो काफ़ी उसमें सुधार की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से गुजारिश है कि यहाँ लोगों को खिचड़ी मिलती है सिर्फ, वो भी दोपहर में 1 बजे और रात को 8 या 9 बजे के आसपास। तो ये जो सब यहाँ पर, क्योंकि एम्स नई दिल्ली के बाहर ये है, तो ये सब मरीज यहाँ पर रहते हैं, तो इन्हें अच्छा खाने की ज़रूरत है जो पौष्टिक हो, जिसमें प्रोटीन हो, एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, फ्रूट्स वगैरह की भी ज़रूरत है। इनको दूध देखे हुए बेचारों को कितने दिन हो गए हैं, तो ऐसे में इनकी जो बीमारी है वो और बढ़ेगी, उसका इलाज जो है ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हाथ जोड़कर विनती है सरकार से कि इनके ऊपर ध्यान दे। अब जैसे ये कैंसर की मरीज है, जितने भी यहाँ पर कोई सीकेडी है, किडनी ख़राब है, किसी की डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोगों को जिन्हें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ एक खिचड़ी रोज़ दे देना है, वो खाना पूर्ति करने के समान है। वो इन गरीबों के साथ जो है अन्याय है। हम हेल्दी एजिंग इंडिया की तरफ से भी हम ये एक पहल कर रहे हैं कि कल हम सुबह और शाम का जो है इनको नाश्ता देंगे, जिसमें हम खाने के लिए इन्हें चीज़ें देंगे, जो फ्रूट्स देंगे और दूध का जो है इनके लिए इस्तेमाल करेंगे, दूध से बनी या पनीर या दूसरी चीज़ें जो हैं उनके लिए हम इस उपलब्ध कराएंगे। COVID-19 के लिए यहाँ पर अभी तक कोई चेकअप नहीं हो रहा है, और अभी तक वैसे भी देश में हम जो है कम्युनिटी में जाके अभी तक कोई वैसा हुआ नहीं है। अभी तक जिनको हिस्ट्री है या जिनको एक्सपोजर है कहीं से या जिनको सिम्टम्स है, उन्हीं की जांचें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है, जो मैं इनको पहले पीछे आके बोल के गया था कि हम इन जो इनके बिस्तर हैं उनके बीच में इन्हें जगह बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो इन्फेक्शन जो है, वैसे भी जो मरीज ही हैं ये आप, तो इनको एक दूसरे से दूर रखना चाहिए कि इनका जो इन्फेक्शन एक दूसरे को ना लगे, और कोरोना के समय में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि इनके बिस्तर की संख्या कम हो गई, तो बहुत से लोग जो है रोड पर आ गए हैं, तो यहाँ पर इनका नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है रैन बसेरों की, या जो हमारे स्कूल हैं, जो स्टेडियम हैं, जो दूसरे जो धर्मशालाएँ हैं, वहाँ पर इनके लिए व्यवस्था करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय साफ़ सफाई की और अच्छी सेहत की सबको ज़रूरत है। इनकी इम्यूनिटी इतनी कम है, अगर इन्हें संक्रमण हुआ कोरोना का तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये एक जगह से दूसरे मरीजों में भी ये बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलेगा। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर हिंदुस्तान की सच्चाई है, कौमी राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें और मजदूर तबका ये लोग दिल्ली से अपने घर लौटने के लिए पैदल अपना सामान अपने कंधों पर उठाए निकल पड़े हैं। गाड़ी कोई नहीं है, रास्ता सिर्फ एक है, अपने गांव को जाने के लिए और अपने पांव से चलना है। ट्रेन बंद है, हवाई जहाज बंद है और बस की सर्विस मुअत्तल है। कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है इनको अपने घर तक पहुंचाने का, छोड़ने का, सिवाय ये कि वो पैदल चले, और उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया है और मजबूर हैं वो इस सिचुएशन में, इस हालत में, क्योंकि लोगों की शिकायत है कि उन्हें उनके मालिकान ने, वो जहां काम करते थे उनके मालिकों ने उन्हें निकाल दिया है, उनके मालिकों ने उन्हें जगह नहीं दी, और दूसरा ये कि उनके पास काम करने को अब कुछ बचा ही नहीं, और उनके सामने खाने पीने का सवाल बड़ा अहम हो गया। भुखमरी से बचने के लिए और इस लॉकडाउन की मुसलसल गिरफ्त से आज़ादी की खातिर ये लोग मजबूर हैं, तरह तरह के रास्ते निकाल रहे हैं कि किस तरह से कभी पैदल कभी छोटी गाड़ियों में छुप छुपा करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपने गांव की ओर। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और ये मजबूर लोग हैं,
इन्हें समझाने की लाख कोशिश की गई होगी, यकीनन की गई होगी, लेकिन समझाने की कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। बार बार कहा गया है कि एक दूसरे के साथ मिलना नहीं है, गैप रखना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, लेकिन ये लोग मजबूर हैं। इन्हें समझाने की सही अंदाज में कोशिश नहीं की गई है और यही वजह है कि ये दिल्ली से बिहार और दीगर रियासतों में पैदल जाएंगे। आप सोचिए ये लोग कितने दिनों में पहुंचेंगे और क्या हाल होगा, रास्ते में क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, कैसे ठहरेंगे। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है जिस हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस का असर गहरा होता दिखाई दे रहा है। 20 से करीब 17 से 20 लोगों की मरने की खबर है, 750 से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हैं। तो इन लोगों को देखिए और इनके दर्द को भी एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जी मैं यहाँ पे बेलदारी करता था और मुझे 8 दिन हुए हैं सर आए हुए, और एक मेरा मिलने वाला यहाँ शख्स था, वो तो गांव जा चुका था और वो मुझको उसका कोई मिलने वाला ठेकेदार था, मुझे काम पे लगा दिया था और मैंने जो है 8-10 दिन काम किया, और जो है काम करने के बाद ठेकेदार को मैं जानता नहीं था कि कहाँ रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। उन्होंने जो है खर्चे के लिए पैसे दिए और जो मेरा मिलने वाला आदमी था उसका रूम वूम था उसी के पास रहते थे, तो वो भी ताला उला मार के अपना चला गया। तो इसी कारण जो है 2 दिन से भूखे हैं, ना कुछ खाना मिला है ना कुछ मिला है सर, वो इसे पड़े रहे जहाँ तहाँ। हमारे लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, हम तो जिला लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। हाँ जी सर, पैदल जाएंगे क्या करेंगे, ऐसे भूखे ही मर जाएंगे। अगर जो है कोरोना से मरना होगा तो कोरोना से मर जाएंगे, रास्ते में मर जाएंगे, तड़प तड़प के यहाँ भी तो सर मरेंगे आखिर। कोई नहीं है सर, कोई हमको व्यवस्था नहीं दी गई, क्या करें सर, बारिश हो रही है, यहाँ भी रुकना है और आगे जो है 90 दिन का दिखा रहे हैं सर, जो है आगे अगर ऐसे हुआ तो फिर आगे और स्थिति खराब हो जाएगी हमारी। इस वक्त की 3 बड़ी खबर आपको बता दूं कि नोएडा में 3 नए मामले आए हैं। नोएडा सेक्टर 137 से मां बेटी के साथ एक और मरीज, 3 पॉजिटिव केस नोएडा से आए हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह कि सचिन तेंदुलकर, मायानाज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोरोना वायरस की इस लड़ाई में लड़ने के लिए 15 लाख डोनेट करने का, इमदाद करने का ऐलान किया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि काबीना सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि 23 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक हिंदुस्तान में 15 लाख ऐसे हैं जो बैरून ममालिक बाहर के मुल्कों से सफर करके आए हैं, उन तमाम को मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वही कोरोना को अंदर ला रहे हैं। फिलहाल हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज, और रहमत कलीम को दीजिए इजाजत।